अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 11 अप्रैल सन 2023 और दोपहर के तकरीबन 2:40 हुए हैं और हम मौजूद हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। आपको मेरे पीछे एक्टिविटी नज़र आ रही है, HPU 20 जो है वो टर्न टेबल पर जा रहा है और ये लोकोमोटिव है, आज 127 अप महर एक्सप्रेस के लिए तैयार हो रहा है। और आज का जो सफ़र है वो काफ़ी जो है दिलचस्प होगा इंशाल्लाह। और आज इंशाल्लाह हम कैब राइड करेंगे वन अप खैबर मेल की मुल्तान कैंट से लाहौर जंक्शन तक। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के करीब जो है वो डिले से चल रही है वन अप खैबर मेल। 2:50 पे उसका अराइवल होगा मुल्तान कैंट पे और तकरीबन 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद वो बढ़ेगी लाहौर के लिए। तो बेसिकली ये जो है कराची कैंट से चलती है पेशावर कैंट तक और लॉन्गेस्ट रूट है इस ट्रेन का, पर हम सफ़र करेंगे मुल्तान से लाहौर तक। जी ये महर एक्सप्रेस का लोकोमोटिव है HPU 20 8041 और सामने मुल्तान का लोकोमोटिव शेड जिसमें 9003, इसके अलावा 6013 जो कि 115 अप को लीड करेगा आज ब्लू टाइगर, ये मौजूद है। सामने रेक मौजूद है 115 अप मूसा बाग एक्सप्रेस का, 4 निकलेगी ये मुल्तान कैंट से और लाहौर तक जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, इस पर तकरीबन 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह अप्रोच करेगी वन अप खैबर मेल। दोस्तों दोपहर के 3:13 हुए हैं, सामने AG-30 ब्लू टाइगर 6013 अटैच हो चुका है मूसा बाग एक्सप्रेस 115 अप के साथ और 3 प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर रही है वन अप खैबर मेल, जो कि तकरीबन 2 घंटे के करीब लेट हो चुकी है। शेड्यूल्ड अराइवल इसका दोपहर 1:15 का है। GU-40 9013 लीड कर रहा है जी इसको, कराची से निकली है रात 10:15 और ये लोकोमोटिव लाहौर तक लीड करेगा। लोकोमोटिव क्रू जो रोड़ी से सवार हुआ है वो यहाँ पे उतर जाएंगे और यहाँ से लाहौर का क्रू इसको आगे लाहौर तक लेके जाएगा। जी आज के लोको पायलट जनाब साहिर अल्तमाश साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं जी? साहिर अल्तमाश साहब लाहौर के सीजन ड्राइवर और 30 साल से ज़्यादा हो गए इनको अपनी सर्विस जारी रखे हुए। तो 2 घंटे सर साहिर साहब लेट है आज ट्रेन, तो जब लाहौर पहुंचेंगे आपके अंदाज़े के मुताबिक कितना लेट निकल जाएगा? काफ़ी ट्रेन है, जो थ्रू की ट्रेन हो ना उसमें कुछ टाइम निकल आता है, ये स्टॉपिज ट्रेन है इसका 20%, यानी कि कम से कम आप आधा घंटा निकल जाएगा इसमें। सही है, दोस्तों मुल्तान कैंट से लाहौर जंक्शन तक 330 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है और मेन लाइन माल जो कि ड्यूल लाइन है उसके ऊपर सफ़र करेगी वन अप खैबर मेल। ये क्रू जो है वो सवार हो रहा है, उनके बॉक्सेस हैं सामान वाले और जो पहले से क्रू मौजूद है उनके बॉक्सेस उतार लिए जाएंगे और ये वाले बॉक्सेस जो हैं वो लोकोमोटिव के अंदर रख दिए जाएंगे। ये ड्राइवर साहब हैं जिन्होंने अभी ट्रेन छोड़ी है मुल्तान कैंट। ये लोकोमोटिव का जो एक्सल है उसका हॉल्ट एक्सल चेक कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम वन अप खैबर मेल के लोकोमोटिव में मौजूद हैं और इसको पाकिस्तान रेलवे के लेजेंडरी और सीजन ट्रेन ड्राइवर जनाब
साहिर अल्तमश साहब आज लीड कर रहे हैं मुल्तान कैंट से लाहौर जंक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके साथ आज मौका मिला है हमें सफ़र करने का और शुरू से ही हम पाकिस्तान रेलवे को प्रमोट करते आ रहे हैं, तो आपकी माशाल्लाह 30 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, आप इस साल उम्मीद है रिटायर भी होने वाले हैं, तो आज तक का जो सफ़र है आपका कैसा रहा और कोई एक फेवरेट ट्रेन भी होगी आपकी वो भी हमें बताएं। मेरी फेवरेट ट्रेन जो नॉन स्टॉप ट्रेनें हैं ना, जैसे जिना एक्सप्रेस थी और ये ग्रीन लाइन है, ये मेरी फेवरेट ट्रेनें हैं। इसमें मुझे चलाने में ना काफ़ी आसानी भी रहती है, सही है। और इन्जॉय भी इसमें ना करता हूँ, करते हैं, और गाड़ी को कोशिश करते हो राइट टाइम करने की, सही है। और ये मेरे ऑफिसर्स को भी पता है कि ये गाड़ी जो है राइट टाइम करते हैं और ईमानदारी से अपनी गाड़ी चलाते हैं, सही है। और मुसाफिरों का भी ख्याल रखते हैं और अपने इमेज का भी ख्याल रखते हैं। अथॉरिटी टू प्रोसीड जो बुक है वो आ चुकी है, इस पर साइन कर रहे हैं ड्राइवर साहब और फिर इंशाल्लाह कुछ ही देर में जो है वो ट्रेन पड़ेगी। तीन बज के 35 मिनट पे डिपार्चर हॉल हो चुका है। चार्ज गार्ड वन अप प्यार प्यार में जान दो, रश है जरा, लोग चल जान के राइट हो गए सर, राइट। सफ़र की दुआ के साथ सफ़र का आगाज़ हो चुका है और 3:36 पे दोपहर को हम मुल्तान कैंट छोड़ रहे हैं।
ब्रेक्स अप्लाई हो चुकी हैं क्योंकि सामने थाने वाला जंक्शन आ चुका है। खाने वाले से निकलने के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो
मैं यहाँ चल रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे और ब्रेक सप्लाई हो चुकी है, सिग्नल दोनों येलो नज़र आ रहे हैं।
कराची से रास्ता मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद, इसके अलावा सखर से होती हुई गुजरती है। और अभी हम ठीक 1000 किलोमीटर ML1 माइलस्टोन से गुजर रहे हैं, जो कि फासला है किमाड़ी पोर्ट से यहाँ तक। येलो नज़र आ रहे हैं, आगे आने वाला रेलवे स्टेशन शीशावतनी का है, यहाँ पे स्टॉप होगा 2 मिनट का। जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सिग्नल जो है वो बना हुआ था शीशावतनी रेलवे स्टेशन का, अप्रोच बना रहे हैं हम। खड़ी हुई है चीचावतनी, तो थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। आपकी माशाल्लाह 30 साल से ज़्यादा हो गई सर्विस, बहुत से आपके साथी काम आज भी कर रहे हैं, कुछ साथी दुनिया से हो सकता है चले भी गए हों। मैं स्पेशली पूछना चाहूँगा शाही लतीफ़ साहब के बारे में, आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक था, आपसे सीनियर थे या जूनियर थे या आप बैच फेलो थे, तो वो थोड़ा सा बताएं हमें। अल्लाह उसकी माफ़रत करे, आमीन। मेरे अच्छे दोस्तों में से एक अच्छा दोस्त था और मेरे छोटे भाइयों की तरह था उम्र में, तो वो भी एक ऑन हार्ड और डिलेड ड्राइवर था। और ये है कि सीनियर जूनियर तो हम दोनों में से कोई भी नहीं थे, हम एक ही बैच के थे। बहरहाल उसके साथ मेरी जो है ना फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा रही है और अभी भी हमें बहुत से मौक़ों पे बहुत याद आते हैं, तो हम उसके लिए माफ़रत की उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन, और उनके बच्चों को सब्र दे, आमीन। और तो सर आपका टाइम कैसा गुजरता था आपस में जब रनिंग रूम्स में आप मिलते थे, तो वो ऐसा था कि हंसी मजाक में तो वो नंबर वन थे शाही साहब, तो इसी तरह मजाक में हंसी मजाक करना और इसी तरह हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता। बस अभी उसकी यादी है मेरे पास, हमने 35 साल इकट्ठे नौकरी की है और वो मेरे बैच फेलो थे, बस ये था कि अभी भी हमें ना आँखों से और दिल से जुदा नहीं हमने उनको किया, जब तक जिंदगी रहेगी हम उनको याद करते रहेंगे।
फार रेलवे स्टेशन के पास हो रहे हैं और यहाँ पे CBI सिस्टम सिग्नल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और जॉब साइड की PLC थी वो ख़त्म हो चुकी है। शुरू हो गया जी, पापड़ भी आ गए।
सर। शायद भाई आपने पूरा पूरा इस्तेमाल किया है यार आज। इंशाल्लाह सारी में इस्तेमाल में इसी तरह होता है हमारे। ज़रूरी आइटम होती है तो सुन्नत भी है खाना रोज़ा अफ्तार करने के लिए, खजूर भी आ चुकी है लोकोमोटिव के अंदर। जी यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन से बात शुरू हो रही है वन ऑफ खैबर मेल।
और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे।
हमारी लाहौल जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त हम पास थ्रू होंगे काना काछा बैंडेड रेलवे स्टेशन से। सिक्स डाउन ग्रीन लाइन पहुंच कर रही है जो कि कुछ देर पहले ही निकली है लाहौर जंक्शन से कराची के लिए। साथ हमने तय किया